हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुमंस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस वीडियो में ऐसा सीखने वाले हैं जो आपने पहले भी हमारे देखा होगा ट्यूटोरियल में कि अटेंडेंस शीट पे मैंने एक और पार्ट बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जिस वीडियो में हमने सिर्फ नॉर्मल ट्रिक्स हैं आपके, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम आपको ए टू जेड अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेल में, और इसमें कुछ आपको नई नई ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप एक अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट बना पाएंगे, उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए अभी आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय डेजिग्नेशन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, एंड देन यहाँ पे आप सीरियल नंबर मेंशन कर देंगे। इतना करने के बाद ये देखिए सीरियल नंबर मैंने जैसे ही यहाँ पे इतना टाइप करके डबल क्लिक किया है, इतना टाइप करते ही जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक काउंटिंग हो गई है। अगर ऐसा पूछते हैं आपकी काउंटिंग ऐसे नहीं होती है तो आप इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 आपने जो भी टाइप किया है स्टार्टिंग के 2 3 लेटर टाइप करिए डिजिट्स, एंड देन यहाँ पे जाके फिल में आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज है, सीरीज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड देन आपको टाइप लीनियर पे क्लिक करके ओके कर देना है। ओके, बाकी की ये जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको किसी अपने अदर ट्यूटोरियल में बता दूंगी। इतना करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका भी इस तरीके से डिजिट जो भी आपके न्यूमेरिकल सीरियल नंबर होंगे वो आपके मेंशन हो जाएंगे। ओके, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसे जैसे मैंने बोल्ड कर दिया है, साइज बड़ी कर दी है। पहले तो हम स्टार्टिंग का वर्क करते हैं कि हमने 3 चीजें मेंशन कर दी है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड सीरियल नंबर। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है अटेंडेंस शीट में, डेट, यानी कि हम पर डे का अटेंडेंस लगा सके। तो हम यहाँ पे फेब का डेट बनाते हैं, फेब की अभी आप देख रहे हैं फेब चल रहा है, फेब में आप देख रहे हैं यहाँ पे सैटरडे से स्टार्ट है। ओके, तो मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट डे से 29 तक। यहाँ पे मैंने किया 1 फेब 1st फेब 2020, एंड देन यहाँ पे हमने कर दिया 2nd फेब 2020। इतना करके हमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस इतना हम करके यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक आपका जो भी डेट है वो ले लेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपका ऐसे होता है तो आप घबराइए नहीं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देना है यहाँ पे ले जाके। ये देखिए आपका जो भी कॉलम है वो एडजस्ट हो गया है, और ये जो आपकी डेट है आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लिया इसने। 20 कहाँ तक डेट है हम चेक कर लेते हैं, 28, इसे हम और भी एक डेट बढ़ा देते हैं, ये हो गया 29। ओके, अब हमने देखा कि फर्स्ट फेब जो है हमारा सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, वैसे हमें इसमें डे की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक नया कॉलम रो इंसर्ट करके आप डे भी डाल सकते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे आप देखिए आपका एक रो इंसर्ट हो गया, एंड यहाँ पे आप चाहें तो डे भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इतना रखते हैं, एंड देन अभी आप देख रहे हैं इसमें आपका सैटरडे के बाद 2nd फेब को संडे है, ये देखिए 2nd फेब को आपका संडे पड़ रहा है। तो इसके लिए आप सीधा ये कर सकते हैं कि आपकी ये जो आपने डेट सेलेक्ट की है, या तो आप इसको यहाँ से सीधा माइनस कर सकते हैं कि आपका वीक डे हो, तो वीक डे आपका वही सैटरडे संडे आपको हटा के वीक डे मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं आपका ऑटोमेटिक जो संडे था वो डिडक्ट हो गया है, यहाँ से माइनस हो गया है 2nd फेब, देन आगे 8th फेब। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संडे मेंशन रहे तो आप इतना करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ मर्ज करके आप मेंशन कर सकते हैं या तो संडे, या मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगी। तो आप इसमें इतना संडे टाइप करके आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन, जो कि मैं आपको पहले भी ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो आपने यहाँ से आप देख रहे हैं एंगल जैसा भी आप रखना चाहें वैसा एंगल रख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये सिलेक्ट किया है वर्टिकल टेक्स्ट, एंड इसको हम बड़ा कर सकते हैं। ओके, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप इस तरीके से संडे मेंशन करिए एंड देन इसको हाईलाइट कर दीजिए कि ये आपका संडे है। यहाँ से आप कलर चेंज कर दीजिए इसका, जो भी बैकग्राउंड आप फिल करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर दीजिए, और इस तरीके से आपका एक रेडी हो गया है संडे का। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें डे अगर हम मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे हम एक कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने प्लस का की प्रेस किया है कीबोर्ड से, तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया। ओके, इस तरीके से सेलेक्ट करके, और यहाँ पे हमने देख लिया था मैंने कि कैलेंडर में हमारा जो भी डेट है वो फर्स्ट फेब को सैटरडे है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया सैटरडे संडे एंड मंडे, इतना करके
फिर से जैसे मैंने बताया था आपको ड्रैग कर देना है, ये यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया 29 फेब तक, ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक वीक डे मेंशन कर लिया है। ओके, जितने भी आपके डेज हो, उसके बाद अब इसको अगर आप चाहें इसका फॉर्मेट छोटा बड़ा करना वो आप उस तरीके से हाईलाइट कर लीजिए। फिलहाल मैं बड़ा ही रखती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर रहे जो भी हमने वर्क किया है। अब उसके बाद एक तो ये ऑप्शन था आपके पास, दूसरा ऑप्शन ये है मैंने इसे मर्ज करके ये हमने फॉर्मेट पेंटर से नॉर्मल कर दिया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो डे मेंशन किया है, अब इसके थ्रू हम एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे आप देखें ये जो संडे है कि संडे ऑटोमेटिक आपका कैच होके रेड फिल हो जाएगा कि आपका ये संडे वीकेंड है जो कि आपका क्लोज है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक हमें फॉर्मूले को पुट करना है, एंड देन यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। होम में आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके आप न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंशन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट करना है कि किस वैल्यू पे हम पुट करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि क्लियर रहे। वेट, ओके, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी एंड यहाँ पे हमने मैंने क्लिक कर दिया बिकॉज यहाँ से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे हम न्यू रूल पे जाएंगे, न्यू रूल में आप देख रहे हैं यूजर फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, कौन सा सेल आपको फॉर्मेट करना है वो फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू एज यूजुअल एंड यहाँ पे टाइप करेंगे और, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं हमें डे को साथ में लेके चलना है, डे से ही हमें पता चलेगा कि सैटरडे है या संडे है। तो मैंने ये रो है हमारा जो ये रो चलेगा, इसलिए मैंने इस रो को सेलेक्ट क्लिक किया है इस रो पे, एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक एक लॉक लग गया है, इसमें से हमें डी का लॉक हटा देना है। यहाँ पे आप करेंगे इज इक्वल टू, यानी कि अगर आपका ये जो सेल है ये संडे होता है, संडे को हम डबल कोट में रखेंगे, जिस चीज को हाईलाइट करना होता है हमने डबल कोट में रखा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, यानी कि अगर आपका ये सेल संडे होता है तो आपका फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप रेड रखना चाहते हैं बैकग्राउंड तो रेड रखिए, एंड देन यहाँ पे आपने कर दिया ओके। ओके करके आप अगेन ओके करिए और यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला कॉपी करने के लिए ओवरऑल जितना भी आपको फॉर्मूला फैलाना है वहां तक आप ड्रैग करेंगे, एंड देन इसके नीचे तक आप विड्थ भी लाएंगे जहां तक आपका फिल करना है। तो ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक आपका जहां भी संडे की कॉलम है संडे में आपका रेड हाईलाइट हो गया। इसमें अब आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया था मर्ज करके आप संडे मेंशन कर सकते हैं या फिर आप वीकली ऑफ ये भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक वर्क। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने मेंशन कर लिया ये हमारा वीकली है, जो अगर आप यहाँ पे और नाम मेंशन करना चाहते हैं एम्प्लॉयज के होते हैं तो आपको मेंशन करेंगे, अदरवाइज आपको उतना ही सेलेक्ट करने की जरूरत है जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। ओके, इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपने बॉर्डर क्रिएट करना है जिससे आपका थोड़ा अट्रैक्टिव लगे जो भी अटेंडेंस सीट आपने बनाई है। इतना करके मैंने यहाँ पे जाके इंसर्ट पे बॉर्डर पे क्रिएट किया है, ये हमारा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। ओके, आप चाहें तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं बिकॉज ये आपका सब्जेक्ट है, टाइटल है किसी कॉलम का, तो आप इसको अलग बॉर्डर भी दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको जो भी अटेंडेंस होती है वो आपका ऑटोमेटिक ए एब्सेंट है या प्रेजेंट है, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसको कंप्लीट फिल कर देती हूँ। इसी तरीके से आपका जो भी अटेंडेंस सीट होता है वो आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी आपको एक लिस्टिंग भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप मेरा और भी ट्यूटोरियल देखिएगा जिसमें मैं आपको लिस्टिंग बताऊंगी, उससे आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके लेटर पे क्लिक करना है जिससे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो भी सिलेक्शन होगा आप लिस्ट से क्लिक करके ले सकते। तो अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मैंने ये सारी चीजें फिल कर दी हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल आपने जैसे अटेंडेंस आप लेते हो वैसे आपने अटेंडेंस ले ली। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो ए है हमारा, हम चाहते हैं कि ए हमारा कुछ हाईलाइट हो जिससे पता चले कि ए को इस पर्सन ने एब्सेंट किया है, तो उसके लिए ये मैं एक इतना सिलेक्शन लूंगी इतना स्पेस का जितना दूर हमने फॉर्मूला यूज करना है, एंड देन मैं यहाँ पे जाऊंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइटेड सेल्स रूल्स एंड देन इक्वल टू। इतना करते ही आपको यहाँ पे जो भी मेंशन करना है, यानी अगर आप चाहते हैं कि ए हो, यानी अगर आपके इन सेल में ए मेंशन हो तो आपका सेल ये कैसा दिखना चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में आपके हाईलाइट हो रहा है,
ये रेड दिखना चाहिए या येलो बैकग्राउंड या कैसा, वो आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। तो मैंने एक ये ऑप्शन रख दिया एंड देन ओके कर देंगे। इस तरीके से देख रहे हैं आपका ये खुद हाईलाइट हो गया है, ये एबसेंट पर्सन का किस तरीके से शो होना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं बीच बीच में आपका कुछ पर्सन एम्प्लॉयज ने सीएल भी लिया है, और आप चाहते हैं कि ये सीएल भी हमारा कुछ अलग हाईलाइट हो जिससे फोकस पड़े इन सीएल पे। तो आप इसके लिए फिर से पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे एंड देन अगेन फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड देन इक्वल टू। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे सीएल, और सीएल को हम कैसा रखना चाहते हैं, येलो विद डार्क कलर या ग्रीन फिल, ये मैंने ग्रीन फिल या लाइट रेड या रेड बॉर्डर, या आप कुछ और कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा। आप यहाँ से अदर कलर भी चूज कर सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड में यहाँ पे कौन सा कलर हो। आपने ये येलो जैसे मैंने यूज किया है येलो करके एंड देन ओके कर दूंगी। तो ये देख रहे हैं आप इस तरीके से ओके करते ही हमारे बैकग्राउंड में जो भी सीएल के ऑप्शन है वो अलग हाईलाइट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितना अट्रैक्टिव और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और अगर कोई देखेगा भी तो उसको तुरंत चीजें समझ आ जाएंगी कि ये क्या चीज है, आप क्या दिखाना चाहते हैं इसके थ्रू। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो टेंडेंसी पे बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस पे कुछ और भी क्वेरीज हैं आपकी या कुछ आप और सीखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।